कल फ्रेम देखिए लाइव है। कल शाम को काटिए, मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें मुझे भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खास तौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है, इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो मनीष सिसोदिया इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे, कपिल मिश्रा के लगाए आरोपों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद है, नकार रहे हैं इन आरोपों को। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया। सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को 2 करोड़ दिए और उस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन आरोपों को नकार दिया है। कपिल के आरोप बेबुनियाद है और इन आरोपों पर कोई यकीन नहीं करेगा, दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा है। कपिल मिश्रा ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, इन आरोपों का कोई जवाब नहीं है, कोई इन आरोपों पर यकीन नहीं करेगा। उल जलूर आरोप लगाए गए हैं कपिल मिश्रा की तरफ से। कपिल मिश्रा ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा है। उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सत्येंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। क्यों सत्येंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का? कल शाम को काटिए, मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खास तौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है, इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।